दोस्तों वीवो लॉन्च करने वाला है वीवो U20 फ़ोन को 22 नवंबर को इंडिया में। यह फ़ोन काफ़ी बढ़िया होने वाला है, तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीवो U20 और रेडमी नोट 7 प्रो फ़ोन का बारे में। ये दोनों फ़ोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है और क्या अंतर है ये दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में। अगर आप जानना चाहते हैं ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर होगा और कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं रेडमी नोट 7 प्रो और वीवो U20 फोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। रेडमी नोट 7 प्रो फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.3 इंचिस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और इसमें एक डॉट नॉच दिया गया है, डॉट नॉच के साथ में आता है। एक्सपर्ट इशू का बात करें तो 19.59 एक्सपर्ट इशू दिया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 81.40% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो वीवो U20 फ़ोन इसमें डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.53 इंचिस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया जाएगा और इसमें एक वाटर ड्रॉप नॉच दिया जाएगा, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आएगा। एक्सपर्ट इशू का बात करें तो 19.59 एक्सपर्ट इशू दिया जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 90.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा और इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया जाएगा ये नहीं, इसके बारे में अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलता है। वीवो U20 फोन में डिस्प्ले साइज़ थोड़ा सा बड़ा दिया गया है और रेडमी नोट 7 प्रो फोन में डिस्प्ले साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और ये दोनों फ़ोन का कैमरा का बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया और ये सोनी का सेंसर यूज किया गया है, सोनी IMX586 सेंसर दिया गया है। और जो सेकेंडरी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया और इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाता है। डुअल LED फ्लैश भी दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो वीवो U20 फ़ोन इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा, जो प्राइमरी सेंसर होगा 16 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर का साथ में दिया जाएगा और जो सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर का साथ में अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया जाएगा और जो टाइट कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का साथ में माइक्रो लेंस दिया जाएगा और इसमें भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाएगा, LED फ्लैश भी दिया जाएगा। और यहाँ पे दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो फोन में 13 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर का साथ में दिया गया है और यहाँ पे बात करें तो वीवो U20 फ़ोन इसमें 16 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर का साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पे कैमरा में रियर कैमरा में बाजी मान लेता है रेडमी नोट 7 प्रो फोन, इसमें कैमरा काफ़ी अच्छा बढ़िया देखने को मिलेगा रियर कैमरा में। हालांकि इसमें 2 कैमरा दिया गया है, डुअल रियर कैमरा, लेकिन फिर भी कैमरा बेहतर ही होगा रेडमी नोट 7 प्रो फोन में, क्योंकि इसमें सोनी का सेंसर दिया गया है और 48 मेगापिक्सल का सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो वीवो U20 फोन तो इसमें सेल्फी कैमरा थोड़ा बढ़िया देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा बेहतर होगा सेल्फी कैमरा। और दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो दोनों फोन में सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, सेम प्रोसेसर दिया गया है दोनों फोन में, परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगा और दोनों फोन में सेम प्रोसेसर भी दिया गया, कोई अंतर भी देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन में प्रोसेसर दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया और इसका क्लॉक स्पीड है 2.0 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। और GPU का बात करें तो एड्रोना 612 GPU दिया गया है और यह प्रोसेसर 11 नैनोमीटर पर आधारित है, 11 नैनोमीटर पर चलता है। दोनों फोन में सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। दोनों फ़ोन का यूज़र इंटरफेस OS का बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो फोन में एंड्रॉयड 9.0 पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, साथ में MIUI 10 दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो वीवो U20 फ़ोन इसमें भी एंड्रॉयड 9.0 पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और साथ में फोन टच 9.1 दिया जाएगा। और ये दोनों फ़ोन का वारंट का बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो फोन 3 वारंट पे आता है, 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में एक आता है और एक आता है 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में और एक आता है 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में और इसमें 256GB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो वीवो U20 फोन इसमें भी 3 वेरिएंट दिया जाएगा, 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा, 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा और एक आएगा 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में और इसमें भी 256GB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। और ये दोनों फ़ोन का बैटरी का बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो फोन में 4000mAh का बैटरी दिया गया और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 18W का क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट दिया गया और 10W का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो
वीवो U20 फ़ोन, इसमें 5000 mAh का बैटरी दिया जाएगा और इसका फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 18W का फास्ट चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा, 18W का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी पर और फास्ट चार्जिंग पर बाजी मार लेता है वीवो U20 फ़ोन। और ये दोनों फ़ोन का USB कनेक्टर का बात करें तो Redmi Note 7 Pro फ़ोन में USB Type-C 2.0 दिया गया है, इसमें USB Type-C मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो वीवो U20 फ़ोन इसमें माइक्रो USB 2.0 देखने को मिल जाता है, तो इसमें माइक्रो USB दिया गया। तो USB कनेक्टर पर यहाँ पे बाजी मार लेता है Redmi Note 7 Pro फ़ोन। और ये दोनों फ़ोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो दोनों फ़ोन में 5.0 ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है, दोनों फ़ोन में 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। दोनों फ़ोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फ़ोन में डुअल 4G वोल्टेज मिल जाता है, दो 4G सिम एक ही साथ में यूज़ कर सकते हैं। दोनों फ़ोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फ़ोन में तो फेस अनलॉक मिल ही जाता है और दोनों फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, दोनों फ़ोन का रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दोनों फ़ोन का डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी का बात करें तो दोनों फ़ोन में काफ़ी अच्छा काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मिल जाता है। Redmi Note 7 Pro फ़ोन में ग्लासिक डिज़ाइन दिया गया है और इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, बैक साइड में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, फ्रेम साइड में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, इसमें ग्लास डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ पर बात करें तो वीवो U20 फ़ोन तो इसमें ग्लास देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ग्लासिक फिनिशिंग दिया जाएगा और यह प्लास्टिक का बॉडी होने वाला है, प्लास्टिक का बॉडी इसमें दिया जाएगा। और ये दोनों फ़ोन का NFC का बात करें तो दोनों फ़ोन में NFC नहीं मिलता है, NFC दोनों फ़ोन में सपोर्ट नहीं दिया है। दोनों फ़ोन का अवेलेबिलिटी का बात करें तो Redmi Note 7 Pro फ़ोन, ये फ़ोन बहुत ही पहले लॉन्च हो गया है, करीब 1 साल ही हो जा रहा है, तो ये फ़ोन अवेलेबल है Flipkart पर भी है, Amazon पर भी है, Mi.com पर भी है, Mi Home पर भी अवेलेबल है। और यहाँ पर बात करें तो वीवो U20 फ़ोन तो दोस्तों ये फ़ोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, 22 नवंबर को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, 22 नवंबर को ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा इंडिया में और इसके बाद ही ये अवेलेबल होगा। और ये दोनों फ़ोन का प्राइस का बात करें तो Redmi Note 7 फ़ोन जिस प्राइस पर अभी अवेलेबल है वही प्राइस मैं बता रहा हूँ। इसका जो बेस्ट वेरियंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, ये अभी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट में 11,999 रुपीज़ पर। और इसका जो मिड वेरियंट है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस है 13,999 रुपीज़ पर अवेलेबल है। और इसका जो हायर वारंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, इसका प्राइस है 14,999 रुपीज़ पर अवेलेबल है। और यहाँ पे बात करें तो वीवो U20 फ़ोन तो दोस्तों ये फ़ोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये फ़ोन किस प्राइस पर लॉन्च हो रहा है ये अभी कन्फर्म नहीं है, तो मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए या फिर कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। इसका जो बेस्ट वेरियंट होगा 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा, इसका प्राइस होगा 9,990 रुपीज़ पर आएगा, या फिर हो सकता है 10,999 रुपीज़ पर आ जाए, 1,500 रुपये का अंतर रहेगा। और इसका जो मिड वेरियंट होगा 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा, इसका प्राइस होगा 11,990 रुपीज़ पर आएगा। और इसका जो हायर वेरियंट होगा 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा, इसका प्राइस होगा 14,990 रुपीज़ पर आएगा। तो दोस्तों ये कंफर्म प्राइस नहीं है वीवो U20 फ़ोन का, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए या फिर कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप 22 नवंबर के बाद ही ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं कन्फर्म प्राइस अपडेट कर दूंगा। तो बस दोस्तों ये था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स Redmi Note 7 Pro फ़ोन और वीवो U20 फ़ोन का। आपको दोस्तों ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर लगा और कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये दोनों फ़ोन का कन्फ्यूज का बात करें तो ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है तो दोस्तों आप ये कन्फर्म कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि वीवो U20 फ़ोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये फ़ोन किस प्राइस पर लॉन्च किया जा रहा है और किस प्राइस पर लॉन्च होगा ले तो लॉन्च होने का बाद ही पता चलेगा ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है। अभी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा अंतर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट सबको सिमिलर ही देखने को मिल जाता है। वीवो U20 फ़ोन में डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाएगा और उसमें बड़ा बैटरी दिया गया है, 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है और फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ये तीन चीज़ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 7 Pro फ़ोन तो इसमें आप लोगों को रियर कैमरा थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को डिज़ाइन थोड़ा बढ़िया देखने को मिलेगा, इसमें ग्लास दिया गया गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दोनों साइड में देखने को मिल जाएगा, तो ये दो तीन चीज़ का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्राइस पर डिपेंड करता है किस प्राइस पर वीवो
U20 फोन लॉन्च किया जा रहा है, ये तो प्राइस देखने के बाद ही बता सकते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर है। अगर ये दोनों फोन का प्राइस सिमिलर ही प्राइस पर आएगा तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा वीवो U20 फोन आप ले सकते हो, क्योंकि एक नया फोन है, यह अभी अभी लॉन्च किया जा रहा है। और यहाँ पे बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो फोन, तो ये फोन काफ़ी पुराना हो चुका है, लगभग ये 1 साल हो गया, तो 1 साल पुराना फोन है ये। और ये वीवो U20 फोन में इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ नया फीचर देखने को मिलेगा, और ये पुराना फोन है तो ये भी खराब नहीं है, काफ़ी अच्छा काफ़ी बढ़िया है अभी के लिए इस प्राइस रेंज में। तो आपको जो चाहे आप ले सकते हैं, अगर आप लोगों को ग्लास डिज़ाइन चाहिए और बढ़िया कैमरा चाहिए, रियर कैमरा चाहिए, तो आप लोग जा सकते हैं रेडमी नोट 7 प्रो फोन के तरफ। अगर आप लोगों को बढ़िया बैटरी चाहिए, फास्ट चार्जर चाहिए, बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, तो आप लोग जा सकते हैं वीवो U20 फ़ोन के तरफ। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं, और ये पे प्राइस पर भी डिपेंड करता है किस प्राइस पर लॉन्च किया जा रहा है। तो ये प्राइस लॉन्च होने के बाद ही पता चल जाएगा, तो ज़्यादा अंतर नहीं होगा। वीवो U20 फ़ोन का प्राइस कम होगा, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर यह फ़ोन लॉन्च किया जाएगा। तो बस दोस्तों, ये था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स रेडमी नोट 7 प्रो और वीवो U20 फ़ोन का। आपको दोस्तों ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर लगा, और आप लोग ये वीडियो कैसे लगा आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को मिलते रहेगा। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए, ताकि वहाँ पर भी आप लोग ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय।